तीन बातें माता पिता अपने बच्चों को सिखाएं। मैं मानता हूं कि बच्चे यदि सही राह पर चल पड़े तो फिर माता पिता कुलवंश और इस भारत माता का नाम पूरी दुनिया में शिखर पर होगा। बस कुछ छोटी छोटी बातों को हमें जीवन में अपनाना है। सबसे पहली बात, बच्चों को योग करने की आदत माता पिता को डालनी है और इसके लिए माता पिता खुद करें। हम क्या कहते हैं बच्चों को, कहते बेटा योगाभ्यास करो, शीर्षासन करो, सर्वांगासन करो, हलासन करो, बाबा जी ने ऐसे ऐसे बताया था ये करो। पहले आप करो, आपको देख देख करके बच्चे अपने आप करने लग जाएंगे। बच्चों को बोल करके नहीं सिखाया जाता, ज़्यादातर बातें बच्चों को करके सिखाई जाती हैं। तो आप कठिन आसन नहीं करते तो आप प्राणायाम ही कीजिए, आप भस्त्रिका कीजिए, आप कपालभाति कीजिए, आप अनुलोम विलोम कीजिए। बच्चों के लिए भी जरूरी, उनको भी करवाइए और फिर बच्चों को साथ साथ उनको आसन भी बताइए। फिर वो शीर्षासन, सर्वांगासन, हरासन, पश्चिमोत्तानासन, चक्रासन सब कर लेंगे, वे सूर्य नमस्कार भी कर लेंगे, लेकिन पहले आप कीजिए। तो अभी भी आप बैठे बैठे थोड़ी देर कपाल भाति कर लीजिए, थोड़ी देर अनुलोम विलोम कर लीजिए। तीन बातें पहले बच्चों के लिए खास बता रहा हूं। एक, योग करने की आदत से बच्चों की जिंदगी में कोई बुरी आदत नहीं पड़ेगी। ये बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण खास बात बता रहा हूं। बच्चों में चॉकलेट खाने की आदत, कोका कोला पीने की आदत, पेप्सी पीने की आदत, बर्गर पिज्जा खाने की आदत, फिर यदि पड़ोस खराब हो तो कुछ बच्चों को गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पता नहीं वाइन, बियर, क्या क्या सिखा देते हैं। 5 साल से लेकर के 15-20 साल के बच्चों को कोई भी बहका देता है, उनका मन अपरिपक्व होता है, बुद्धि भी अपरिपक्व होती है, अपना अच्छा बुरा बहुत ज्यादा सोच नहीं सकते कि इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए बच्चों को बहकाने की संभावना बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, कोई भी बच्चों को बहका देता है। अब यदि आपके बच्चे योगाभ्यास करते तो उनके अंदर अच्छे और बुरे के समझने की क्षमता बहुत जल्दी विकसित हो जाती है अपने आप। तो योग करने की आदत बच्चों में डाल दीजिए, बच्चे बीमारियों में नहीं फंसेंगे और किसी बुराई में नहीं फंसेंगे, एक बात। दूसरी बात, बच्चों को 14 से 16 18 घंटा मेहनत करने की आदत डालिए। मैंने ऐसा अपने आप को बचपन से तैयार किया, मैं बचपन से ही 16 से 18 घंटा काम करता था, मेहनत करता था, और यही कारण है कि आज भी 18 घंटा काम करके वे मैं थकता नहीं और काम करके ही आदमी को कामयाबी मिलती। मैं बच्चों से एक स्वर चाहता हूं, उनका भी साथ चाहता हूं, उनको अपने साथ जोड़ना चाहता हूं। एक शब्द है कामयाबी, क्या शब्द है बच्चों? और कामयाबी किससे मिलती है? काम करके। काम करेंगे तो कामयाब होंगे और काम नहीं करेंगे तो नाकामयाब होंगे, काम से ही कामयाबी मिलती है। 16 से 18 घंटा काम करने की आदत, पढ़ाई करो, होमवर्क करो, स्टडी करो, याद करो, घर में माता पिता का हाथ भी बटाओ। यदि किसान परिवार में आप पैदा हुए हैं तो खेती बाड़ी में भी हाथ बटाओ, कभी किसी काम को छोटा मत मानो। मैंने अपने हाथों से खेती बाड़ी की है, मैंने अपने हाथों से गाय भैंस की सेवा की है, घर में ऊंट रखते थे तो ऊंट भी चराया है, ऊंट का बैल का हल भी चलाया है, गाय भैंस का गोबर भी उठाया है, सब प्रकार की खेती बाड़ी से लेकर के, और ये सब करते हुए भी हमेशा क्लास में नंबर फर्स्ट आया, क्लास में नंबर।
बुक चाहे सेकेंड हैंड लेने पड़ती थी क्योंकि फर्स्ट हैंड बुक लेने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। तो किससे मिली कामयाबी? काम करने से, मेहनत करने की आदत से। तो एक तो योग करने की आदत, माताओं अपने बच्चों को ऐसा बनाना है आपको, किसकी आदत बोलो, जोर से बोलो, योग करने की आदत, और दूसरी काम करने की आदत। क्या है बोलो? काम करने की, 14 से 16 18 घंटा काम करने की आदत। आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या और ये पूरी दुनिया की समस्या है, लोग काम करके राजी नहीं, सब पता नहीं बैठे बैठे क्या मिलता है। स्कूल में अध्यापक कुर्सी तोड़ते रहेंगे, कार्यालयों में कर्मचारी कुर्सी अधिकारी कुर्सी तोड़ते रहेंगे, घर में लोग बैठे बैठे बतियाते ही रहेंगे, कोई टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, कोई व्हाट्सअप देख रहा है, कोई गपशप कर रहा है, काम करके राजी नहीं। तो दो आदत, एक योग करने की आदत, दूसरा काम करने की आदत, पढ़ाई करने की आदत। बच्चों का तो सबसे बड़ा काम पढ़ाई है, फिर घर का काम करो, खेती का काम करो, जो काम है उसमें काम काम का कोई शर्म नहीं। तीसरी बात, बच्चों के ब्रेन की प्रोग्रामिंग बचपन से चालू होती है। जैसे हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो जाती है वैसी हमारी पूरी लाइफ बीतती है। ब्रेन की प्रोग्रामिंग थॉट्स से होती है। मेरे साथ बोलेंगे थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस। ये दिस इज द साइकिल ऑफ लाइफ, ये जीवन का चक्र है। क्या बोला पहला शब्द, क्या बोला था सेकेंड थर्ड, ये तीन ही चीजें। जैसे थॉट्स होते हैं वैसे हमारे दिल में क्या पैदा होते हैं, इमोशंस, और जैसे थॉट्स और इमोशंस होते हैं वैसे ही हम लाइफ में क्या करते हैं, एक्शन, एक्ट करते हैं, और कुछ भी नहीं है। गलत थॉट्स, गलत इमोशंस हो गए तो आपका डायरेक्शन लाइफ का कभी भी राइट हो ही नहीं सकता। तो बच्चों की ब्रेन की प्रोग्रामिंग थॉट्स से शुरू होती है। किससे शुरू होती है बोलो? थॉट्स, थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस। यदि थॉट्स अच्छे नहीं होंगे, रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इमोशंस, रॉन्ग एक्शंस, रिएक्शंस, इनएक्शन, इसमें लाइफ पूरी बर्बाद हो जाएगी। ये तो मैंने अच्छी बात बताई।